जोहार हजारीबाग में फैज अनवर देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग हम लोग आए हैं अभी, ये कल्लू चौक के आगे है लोकसिंदा, वहाँ पे बस स्टैंड है जो अभी कुछ दिन के लिए बना है, क्योंकि यहाँ से स्पेशल बस चल रहा है JSSC एग्जाम के लिए। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं 8-9 बस जो लगी है वो लोहरदगा के लिए है और पलामू के लिए है, क्योंकि डायरेक्ट बस यहाँ से लोहरदगा के लिए नहीं है और एग्जाम कल सुबह में है, इसलिए स्टूडेंट के सहूलियत के लिए ये पम्मी बस ने ये सर्विस निकाला है। यहाँ पे रात में भी जाग के स्टूडेंट जो यहाँ पे आए हैं ठंडा में, कहाँ जा रहे हैं? लोहरदगा के लिए जा रहे हैं। लोहरदगा के लिए ऐसे अगर बस नहीं चलता है स्पेशल तो कैसे जाते हैं? तो प्रॉब्लम होती, बहुत प्रॉब्लम होती। ये बस एक तरह से अच्छा हुआ कि बस का हम लोग का सुविधा मिला, बस का टाइमिंग पे पहुंचा देगा, टाइमिंग पे पहुंचा देगा, सेंटर पे हम लोग सही समय पे पहुंच सकते हैं, हर एक कोई सेंटर पे सही टाइम पे जा सकता है। हाँ, एक दिन पहले जाने होटल लेने का अपना सब खत्म हो, सब खत्म हो गया, सारा सुविधा बस में है। ऐसा बोलेंगे बस हम लोग के लिए अच्छा सुविधा मिला। देखिए एक ये था कि एक दिन पहले लोग करते हैं यहाँ से रांची जाते, रांची से बस लेते फिर लोहरदगा जाते, तो ये सारी बसें जो हैं ये लोहरदगा और पलामू जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अभी भी छात्र हैं, यहाँ पे लोकसिंदा में जो है यहाँ पे ग्राउंड निदान नर्सिंग होम के सामने वहाँ पे ये एकदम बस पड़ाव बन गया है। ये अभी तो ऐसे परमानेंट बस स्टैंड नहीं है लेकिन यहाँ पे है। देखिए और कुछ यहाँ पे छात्र हैं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, लोहरदगा जा रहे हैं, मेरा सेंटर लोहरदगा है। एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मतलब इतना ठंड में क्या है, क्या तैयारी है? हाँ, बहुत चीर प्रतिचित हम लोग थे कि CGL का एग्जाम होगा, हम लोग बहुत खुश हैं कि एग्जाम हो रहा है। तैयारी कैसा है, रैंक वन आएगा? एकदम आएगा, आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा। मतलब फिर से आएंगे इंटरव्यू लेने आपका? बिल्कुल आइए और ये दीजिए हम लोगों को, शुभकामना दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक है। कैसा गाड़ी जा रहा है? खराब गाड़ी जा रहा है क्या? देखिए ना, ये ना तो देखिए, कुछ लोगों का कंप्लेन भी है कि गाड़ी कैसा जा रहा है, लेकिन बहुत बाकी सब गाड़ी तो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, ये सारी गाड़ियाँ तो, हाँ हाँ, पैसा ले लिया। अच्छा, ये गाड़ी जो जा रहा है, गाड़ी कम पड़ गया क्या? अच्छा, टिकट भी देख लीजिए, दे। हाँ भाई, तो देखिए, हाँ बाकी सब तो ठीक है भाई। हाँ हाँ ठीक है, आप बोल दिए तो उतना मान लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जांच करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, गाड़ी जाना चाहिए, आप ही बोलिए एग्जाम देना है कि नहीं आपको, हम क्या बोले, हम लोग देने नहीं आए, एग्जाम छोड़ दीजिएगा। AC का भी पैसा वही पहुंचा देगा ना सेंटर तक कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचा तो जाएगा, नहीं तो नहीं ना भैया, पहुंचा देगा ना। ठंड में कैसे जाएंगे हम लोग, ठंड में नहीं जाइए एग्जाम देने, जाएंगे कैसे? नहीं जाइएगा ना, तो पैसा बराबर लिया ना भैया, उसका भी पैसा उतना ही लिया, इसका भी पैसा उतना ही लिया, तो पैसा कम लेना चाहिए था ना हम लोग को। मालिक क्या बोल रहे हैं अभी? मालिक बोल रहा है ठीक है, व्यवस्था करते हैं ना, देखिए क्या करता है, बोल रहा है तो बाकी व्यवस्था तो किया हुआ है, मालिक से पूछ लेंगे हम लोग व्यवस्था कर रहा है कि नहीं। तो एक बस जो है वो बोल रहे हैं कि सही नहीं, लेकिन दूसरा बस कैसा है, ये बस कैसा है, बस ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो कुछ लोगों का कंप्लेन है एक बस में, लेकिन यहाँ से 10-10 बस जा रही है, बाकी सब बस तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AC है और लग्जरियस बस है, तो खैर होता है, इतने जब इतना व्यवस्था करना पड़ता है तो चलता है। यहाँ पे ये सारी बसें जो हैं, कहाँ जा रहे हैं? हजारी जा रहे लोहरदगा। लोहरदगा कैसा है तैयारी? बढ़िया है, ठीक है। तो रात रात भर जो जाग के पढ़ाई करते हुए जाइएगा ना? जी बिल्कुल, पढ़ाई रिवीजन करते हुए जाइएगा ना? कर रहे हैं, आप बढ़िया से एग्जाम। आप ही का न्यूज देखे, उसके बाद कॉल किए उस नंबर से, फिर बस मिला हम लोग को, डायरेक्ट मिल गया बस। हाँ डायरेक्ट मिला, ये बहुत अच्छा सुविधा हुआ आपका चैनल के लिए, हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्या, देखिए यहाँ पे पूरे स्टूडेंट है, देखिए एक से एक स्टूडेंट लोग हैं यहाँ। कैसा है तैयारी, ठीक है? तैयारी ठीक है सर, इसी वजह से जा रहे इतना कष्ट करके। चलिए बेस्ट ऑफ लक, कुछ रैंक लाइए, हम लोग इंटरव्यू लेने आएंगे आपको। जरूर जरूर, देखिए सारे स्टूडेंट्स हैं बस में बैठे हुए हैं और सब तैयारी कर चुके हैं, अब सब रिविजन करते हुए जाइए आप लोग, ठीक है? सुविधा हो गया ना, तो ये डायरेक्ट बस जो होने से ये फायदा हो गया कि रांची में नहीं रुकना पड़ रहा है स्टूडेंट लोग को, और यही एक अच्छा है, एक साथ सब जा रहे हैं पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। ये भी जा रही है क्या? नहीं नहीं, ये छोड़ने के लिए आया हुआ है अभी। घर से कोई जा रहे हैं? हाँ, इसकी माँ जा रही है। अच्छा, मेरी वाइफ। अच्छा, एग्जाम देने के लिए। तैयारी कैसा है? तैयारी तो ठीक है उसका, अब देखे अब क्या आता है रिजल्ट। यही लोहरदगा सेंटर पड़ा है? हाँ लोहरदगा। बस होने से थोड़ा सहूलत हो गया, काफी सहूलियत हुआ, पहले जाना पड़ता है। हाँ नहीं तो मुझे फिर अपना गाड़ी लेके जाना पड़ता है।
चार्ज भी ज्यादा लग जाता है, चार्ज भी ज्यादा लग जाता है, इससे आराम भी हो गया, सहूलियत भी हो गया, सभी कोई जा रहे हैं। इसी बस से लोग जाएंगे, इसी बस से आएंगे, तो ये जो अभी माहौल बना हुआ है हजारीबाग के लोकसिंदा में जो मैदान है निदान नर्सिंग होम के सामने, वहाँ पे लोहरदगा और प्लामू के लिए जो बस जा रही है, सभी स्टूडेंट जो हजारीबाग के जहाँ जिनका सेंटर दूर दूर तक चला गया था, जिनका सेंटर जो है दूर दूर तक चला गया था, वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं एग्जाम देने के लिए। अभी देखिए रात में लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने बस का नंबर, सारे बस में जो है यहाँ पे उनका नाम के साथ लिख दिया गया है कितने लोग हैं हजारीबाग से। देखिए लोहरदगा सीट रिजर्व, सबका नाम अपना देख के चढ़ जा रहे हैं जिस बस में। नाम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ऑनलाइन टिकट कटवाए। कौन सा बस नंबर होगा ना? बस नंबर नहीं लिखा हुआ है, बस नंबर नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर, मालिक से पूछिए, आपका हम हमेशा देखते हैं यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ, तो एक बार पता कीजिए, जरूर मिल जाएगा जब टिकट है तो। फोन लगा रहे, बोल रहा है वो लोग कि कौन सा टिकट नंबर बताइए, टिकट नंबर कैसे बताएं, ऑनलाइन कटवाए। हाँ, ये तो है टिकट नंबर, कहाँ ये तो ऊपर लिखा हुआ है। पीएनआर नंबर बताइए ना, ये पीएनआर नंबर, पीएनआर नंबर तो 35 करके है। हाँ तो चेक कीजिए पीएनआर नंबर, यहाँ सबका लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं बस यहाँ नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अविनाश कुमार लिस्ट में है यहाँ पे, नहीं हम चेक करके यहाँ तक नहीं मिला, यहाँ नहीं, आगे भी देखिए, आगे भी बस है। कौन मालिक बताइए था ना। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे भैया। हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको मीडिया से धन्यवाद करते हैं। कल हम इंस्टाग्राम में चालू किए, लॉगिन किए, आपका देखे आईडी में आप रखे हुए थे कि आपका जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं हजारीबाग से लेकर इसलिए हम कल रात में कॉल किए, 9 बजे नहीं जा पा रहे थे भैया, एक दिन पहले जाना पड़ता है, उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम जा पाएंगे। लेकिन आपको हम ट्रेन से कैसे जाए, लेकिन आपका न्यूज़ आसान हो गया एग्जाम। हाँ भैया बहुत आसान है, इसे थैंक यू करते हैं भैया। कहाँ प्लामू पड़ा है? हाँ नहीं, ग्रह लोहरदगा पड़ा है भैया, लोहरदगा पड़ा है। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लामू लोहरदगा पाकुड़ ये जो लंबी दूरी की जो एग्जाम सेंटर था, लोग बहुत सा है कि छोड़ देते हैं, दूर आ गया सेंटर तो लोग छोड़ देते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं। लेकिन ये स्पेशल बस सर्विस चलने से फायदा यही हुआ है कि जो है एग्जाम स्टूडेंट सब दे रहे हैं, एग्जाम देंगे तो हो सकता है वो रैंक भी लाए, अच्छा एग्जाम में सिलेक्शन भी हो जाए। ठंड में भी इसी तरह से देखिए धीरे धीरे बस जो है वो खुलना शुरू हो गई है और अब जो है बस जाना चाह रही है। तो लोग क्या अपने साथ क्या ले जा रहे हैं, तैयारी क्या किए हुए हैं, साथ में क्या ले जा रहे हैं? कुछ नहीं, एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं और आधार कार्ड बस, और कुछ नहीं, बस कंबल उम्बल नहीं ले जा रहे हैं, बस जो ये सामने देख रहे हैं भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जुगाड़ हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। रिवीजन कैसे करेंगे, एग्जाम का तैयारी कैसा है? अपने आप में तो पूरा प्रिपेयर हो चुके हैं, बट आई कांट, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा है ना। हाँ कितना कट ऑफ आता है, क्या आता है कट, जेपीएससी भी देंगे क्या? जेपीएससी के भी आगे? हाँ अबर देंगे, जेपीएससी भी देंगे अबर। तो देखिए अब जेपीएससी सीजीएल और एसएससी और सीडीपीओ सबका आ चुका है, तो ये बस अब धीरे धीरे चल रही है, बस निकल रही है, आगे वाली बस जो है ये भी अब निकल रही है, तो धीरे धीरे जो है। हाँ चलिए इसमें इसमें भी देखते हैं क्या है माहौल क्या। हाँ ये देखिए बस पूरी तरह से यहाँ पे भर गया है, कैसा है क्या है माहौल? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। ऐसा पहले कभी हुआ था, स्पेशल बस चला था इस टाइप का? नहीं इस टाइप पर तो नहीं चला था पहले कभी, पहली बार, नया चीज है ना। हाँ नया चीज है, पहली बार। तो देखिए ये बस पूरी तरह से जो है, हाँ थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा, हाँ देखिए अंदर, हाँ मेरे यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे हैं जी। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं? यस सर। कैसा है तैयारी, कैसा है? कॉमन है सर, क्योंकि 9 साल ये पूरा लेट है एग्जाम, 9 साल 3 बार तो एक्सटेंडेड हुआ, और ये जो मेन पीटी लेकर के, पीटी लेने के बाद भी ये नहीं लिया एग्जाम, ये फाइनल है, ईबी लेगा कि नहीं लेगा फाइनली ये देखा जा सकता है। हाँ सेंटर तो पहुंच जाएंगे, रिजल्ट आ जाए तो देखा जाए। ये फाइनली लोग को अब लग रहा है कि ये एग्जाम भी हो जाएगा, थोड़ा सा निकलने तो धीरे धीरे जो है अब सारी बस जो है निकल रही है। तो यही देखिए ऐसे ऐसी स्थिति से ये फ़ायदा हुआ है कि स्टूडेंट अब आराम से जा पा रहे हैं। मैंने कहा पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो वहाँ पे सेंटर दूर आता है तो छोड़ देते हैं बीच में एग्ज़ाम, लेकिन अब इससे क्या है कि थोड़ा सा मनोबल इन लोगों का बढ़ गया है और आराम से यहाँ पे अब जा पा रहे हैं, डायरेक्ट सेंटर पे पहुँचेंगे और यही बस जो है उनको वापस लेके भी आएगी। तो यही एक फ़ायदा हुआ है स्पेशल बस चलने से, हजारीबाग से लोहरदगा या पाकुड़ या फिर पलामू जहाँ के भी स्टूडेंट हैं वो आराम से जा पा रहे हैं। नहीं तो फिर अगर नहीं चलती इस तरह की बस तो उन्हें चेंज करना पड़ता, या तो रांची में चेंज करना पड़ता या ट्रेन के लिए जाना पड़ता, तो कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ता।
और रुकना पड़ता है, एक दिन पहले जाते तो होटलों में रुकना पड़ता, तो ये एक जो है उनके लिए और हेक्टिक हो जाता, जहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी शायद सही से नहीं कर पाते, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होता। अभी क्या है, आराम से घर से निकले हैं, बस में बैठे हैं, सीधे सेंटर में जाएंगे, सेंटर से फिर वापस घर आएंगे, तो एक तरह से इनकी एग्ज़ाम की अगर अच्छी तैयारी है तो शायद एग्ज़ाम भी अच्छे से निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज़ अनवर, जोहार, हज़ारीबाग।